बच्चियों, दूजे जंतु किस तरह तुरते हैं? आओ कुछ जंतुओं की गति का अध्ययन करिए। दौड़ मुकाबले विच तुहाडा सब का स्वागत है। दौड़ शुरू करने तो पहला आओ मिलिए इस खेड के चैंपियन बनी नाल। बनी पिछले 2 सालों तो इस मुकाबले नू जित रहा है। चलो हुण 100 मीटर दौड़ शुरू करते हाँ। बनी दे गोली चलाउंदे ही दौड़ शुरू हो जाएगी। गेट सैट गो। जिवें कि तुसी देख रहे हो, सब जानवरां ने अपनी अपनी रफ्तार नाल भजना शुरू कर दिता है। गंडोआ घोगे तो हौली हौली रेंगदा होया अगे लंघ गया है। लगता है जिवें सख्त फर्श गंडोए नू चलण विच मदद कर रहा है। जी हाँ, ध्यान दिओ, चलण दे समय गंडोआ अपने शरीर दे पिछले हिस्से नू धरती नाल जकड़ के रखदा है अते अगले हिस्से नू फैला लैंदा है। इस तों बाद ओहो अगले हिस्से नू धरती नाल जकड़ लैंदा है अते पिछले हिस्से नू आजाद कर दिंदा है। इस पिछों एह शरीर नू सुंगड़ा के पिछले हिस्से नू अगे वल खिंचदा है। इस दे शरीर विच चीकणे पदार्थ हुंदे हन जो इस नू चलण विच मदद करदे हन। गंडोए दे शरीर ते अनेक लूए जां ब्रिसल्स हुंदे हन। यह सख्त वाला वर्गियां रचनावां हुंदियां हन जो मिट्टी विच गंडोए दी पकड़ नू मजबूत बनाउंदे हन। गंडोआ अपने रस्ते विच आउण वाली मिट्टी नू खांदा है अते उसदा शरीर अणपचे पदार्थ बाहर कढ दिंदा है। इस नाल मिट्टी दी उपजाऊ शक्ति भी वधदी है। चलो मैदान विच देखिए कि जानवरां दी की स्थिति है। ओह, घोगा तां सब तो पिछे रह गया। हो सकदा है इस दे पिछे रहन दा कारण इस दी पिठ ते बनिया खोल जां कवच होए। खोल? हाँ, एह खोल घोगे दा बाहरी पिंजर है। अच्छा, एह कवच बनिया किस चीज दा है? एह कवच हड्डियां दा नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट दा बनिया हुंदा है। घोगा खतरा महसूस करके अपना शरीर अते मोटा पेशीदार पैर इस सख्त कवच हेठ लुका लैंदा है। मोटा पेशीदार पैर हेठा तो म्यूकस नाल ढकिया हुंदा है अते पैर दे हेठले पास्यों पेशियां दे सुंगड़न ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਘੋਗਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਊਕਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਤੋਂ ਘੋਗਾ ਤਿੱਖੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਘੋਗੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਓ, ਕਾਕਰੋਚ ਤਾਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਕਰੋਚ ਚਿੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। देखो, कॉकरोच दुबारा जमीन ते उतर आया। छोटे जेहे कॉकरोच विच किन्ने गुण हन। ए जमीन ते चलदा है, दीवार ते चढ़दा है अते हवा विच भी उड़दा है। इस दे 3 जोड़ीदार पैर हुंदे हन जो तुरन विच सहायता करदे हन। छाती नाल 2 जोड़ी खंभ हुंदे हन जो उड़न समय उस दे पैरां नू गति दिंदे हन। चिड़ी दौड़ विच सब तो अगे है। मेनू एह पहला ही लग रहा सी कि चिड़ी सब तो अगे निकल जाएगी, क्योंकि चिड़ी दा शरीर उड़न लई बिल्कुल टुकवा है। इन्हां दियां हड्डियां खोखलियां अते हल्कियां हुंदियां हन। पिछले पैरां दियां हड्डियां तुरन अते बैठन लई अनुकूल हुंदियां हन। अगले पैरां दियां हड्डियां परिवर्तित हो के पंछी दे खंभ बनाउंदियां हन।
छाती दीयां हड्डियां उड्डण वालियां पेशियां नूं जकड़ के रखण लई विशेष रूप नाल परिवर्तित हुंदियां हन अते खंभ नूं उपर हेठां करन विच सहायक हुंदियां हन। लगदा है जिवें सप चिड़ी नूं तकड़ा मुकाबला दे रहा है। हाँ, एह तां हैरानी दी गल है कि किवें सप घा मिट्टी अते पानी विच तुर लैंदा है अते इन्ना ही नहीं सगों लत्तां बाहां ना हुंदे होए भी सप दरख्त भी चढ़ जांदे हन। सप दी रीढ़ दी हड्डी लंबी हुंदी है, पेशियां कमजोर अते अणगिणत हुंदियां हन। पेशियां रीढ़ दी हड्डी पसलियां अते चमड़ी नूं भी इक दूजे नाल जोड़दियां हन। सप दा शरीर अनेकां कुंडलां विच मुड़िया हुंदा है अते हर कुंडल सप नूं अग्गे वल धक्क के तुरन विच मदद करदा है। इसे करके सप बहुत तेज गति करदा है पर सिद्धी रेखा विच नहीं चलदा। सप बहुत मुलायम फर्श ते तुर नहीं सकदा। ओ, सप सिद्धी रेखा विच ना तुरन करके लगदा है चिड़ी ए मुकाबला जित जाएगी। देखो देखो चिड़ी ने दौड़ जित लई, हुर्रे! लगदा है बाकी जानवर अपनी हार तो मायूस हो गए हन। भोगे ने अपना सारा शरीर कवच विच लुका लिया है। आओ हुण तैराकी मुकाबला देखिए। इस मुकाबले विच मच्छियां ने भाग लिया है। मच्छी दा सिर अते पूंछ उस दे विचले भाग दे मुकाबले पतला अते नुकीला हुंदा है। शरीर दा अजेहा आकार तारा रेखी अखवांदा है। इसे विशेष आकार कारण मच्छी पानी विच आसानी नाल तैर सकदी है। तैरण वेले शरीर दा अगला भाग एक पासे मुड़ जांदा है अते पूंछ उल्टी दिशा विच जांदी है। इस नाल एक तेज झटका लगदा है अते मच्छी अग्गे वल चली जांदी है। हाँ, बिल्कुल ठीक। इस दे नाल ही तैराकी मुकाबला भी पूरा होया। सारे जंतुआं नूं बहुत बहुत वधाई। हिप हिप हुर्रे!